हाय, मेरा नाम है पीयूष एंड आई एम 34 ईयर्स ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर। और आज लॉकडाउन खुलने का पहला दिन है, रीवा अनलॉक हुआ है थोड़ा सा। हालांकि रीवा में सिस्टम ये किया गया है कि एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी और एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी। तो किस्मत से आज मेरे जहाँ जहाँ काम था वो दुकानें खुली हैं, क्योंकि थोड़ा रॉयल एनफील्ड के शोरूम में काम था, वो भी इसमें इधर उसी साइड में, राइट साइड में। और उसके अलावा जो हमारा छोटू है उसका जो सर्विस सेंटर है वो भी लेफ्ट राइट साइड में, तो आज खुला है तो थोड़ा जाके काम करा लेते हैं। क्योंकि बाइक अगर हैंडल जो है वो टाइट है और हिलता है, आपका फंसता है बीच में, तो राइड करने में ये सेफ नहीं है। तो थोड़ा हैंडल से ही कराते हैं चल के। और दूसरी बात है, रॉयल एनफील्ड में नहीं कराएंगे। 5 से 6 बार रॉयल एनफील्ड में कराए, कोई फ़ायदा नहीं निकला, इसलिए रॉयल एनफील्ड में नहीं कराएंगे। सिर्फ जाएंगे छोटू के पास, तो छोटू ज़्यादा सही कर लेगा, छोटू पे अपना भरोसा है। और दूसरा है मोबाइल माउंट जो था, जो मैं नहीं लगा पाया था, टैंक में स्क्रैच आ गए थे इसकी वजह से, तो वो छोटू के पास जा रहा हूँ, तो छोटू ही मोबाइल माउंट भी लगाएगा। मोबाइल माउंट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि वैसे पावर वाला नहीं है, मतलब उसमें चार्जिंग नहीं होगी, पर बात यह कि कहीं भी जाओ तो मोबाइल एटलीस्ट सामने लगा सकते हो। तो आप गूगल मैप्स से कम लोकेशन हो गया या नेविगेशन हो गया वो यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी लगता है मुझे कि ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी जो है लगी हुई हो, तो इसीलिए जा रहा हूँ छोटू के पास, तो वो अच्छे से लगा देगा इसको। तो चलिए चलते हैं छोटू के पास ही और देखते हैं आज क्या क्या खुला है, और बाइक पे बातें करते हैं फिर, है ना। चलिए अरे गुप्ता जी, रास्ता ब्लॉक कर दिए। अच्छा, ये ईटा वाला बड़ा सब्जी लिए है यार, मशरूम नहीं है? हम बोले मशरूम वगैरह नहीं है क्या? है क्या? लेकिन हो गया, मम्मी बना उबे ना करेगी, है ना? क्या मतलब? हो गया, छोड़िए। ईटा आया, ईटा। ये देखो, उस तरफ की दुकानें बंद, इस तरफ की दुकानें शुरू। कल इस तरफ की दुकानें बंद, उस तरफ की दुकानें, तो ऐसा माहौल रहेगा रीवा में। मामा लोग इनको कहे पकड़े, मास्क तो लगाए हैं छोरे, जांच वाँच करवाएंगे क्या? हो गया। यही तुम्हारा सूरवीर कहा गया? पका के खा लिया कहा तुम? हम बोले कि लॉकडाउन में सोचे होगे निपटाते। मालूम क्या है छोटू, ये वॉबल मारता था, वॉबल मारने की वजह दूसरी है, तो वो क्या कर दिए कि इसको टाइट कर दिए। ये पहले शायद एकदम सीधा दिखता था, अब यहाँ क्या किए, यहाँ। हाँ तो यही सही करना, कर दो। हम बोले कि 4 बार में वो लोग सही नहीं कर पाए। हाँ देखो, ढीला हो जाता ज्यादा तो फिर फड़फड़ाने लगता है खराब रोड में। खराब हो गई इतनी जल्दी? कटोरी में गड्ढा हुआ है, तब तो आए टाइट करने में साला जाम हो रहा है, ढीला कर दो। हाँ और बढ़ाता है, ये लीजिए फिर भी कर दिए। अब देखना ये है कि खराब रोड में ये कैसा करेगी। हेलो।
मार रही है जर्क, एक बार चला के देख लो तो तुम आओ यार, देखो चलाओ, चलो नहीं एक बार चला के देखो, चलो क्या बताए। तुम अब जिम ज्वाइन करो, पैसा हम अपना नहीं दे रहे हैं, जिम को तुम्हारा क्या देंगे। इसको उन लोगों ने नहीं टच किया था तब तक, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे हम क्या जाने यार, ये एकदम सेंटर में हुआ करता था, हम काहे को टच कराए हैं, उससे नहीं पता लगता यार, चलाना ही पड़ता है। ये चलो ये ठीक तो करा इसने वास्तव में, क्योंकि हैंडल भी नहीं हिल रहा है, बहुत ऐसा भी नहीं लग रहा कि फंस रहा है, वरना पहले तो बहुत बुरा फंसता था। तो चलो थोड़ा इम्प्रूवमेंट। हमारा छोटू में एक चीज तो है भाई, टैलेंटेड है, अपनी एज का होगा। पहली बार हमने अपनी पल्सर के साथ 220 के साथ खुराफात की थी, शुरू शुरू में ही पल्सर आई थी, और उसका डिस्क ब्रेक का पैड खुद ही बदलने के चक्कर में हमने क्या किया कि खोला और दबा दिया ब्रेक वाला लीवर, तो चपक गया। अब वो खोले ही ना, पता ही नहीं था कैसे, हो टेंशन आ गया आदि, पीछे वाला ब्रेक ख़त्म। फिर उसको धीरे धीरे चला के लेके आए, एक हमारा मित्र है पंकज, तो उसने बताया कि छोटू के पास चले जाइए, तो गए ढूंढते ढाड़ते आए, फिर छोटू ने उसको ठीक किया। उसके बाद छोटू के आई आने लगे, और वास्तव में हमारी पल्सर 220 10 साल चली, सिर्फ छोटू ने उसका केयर किया। और अभी भी कॉन्टिनेंटल में जैसे हैंडल की प्रॉब्लम आ रही थी तो काफ़ी सुधार दिया छोटू, वरना एजेंसी में यही दिक्कत आ रही थी, या तो बहुत ज़्यादा हो रहा था या तो कम हो रहा था। छोटू ने काफ़ी सुधार दिया, अच्छा कर दिया, अभी इतना दिक्कत नहीं आ रहा है। तो छोटू अपने बहुत रिलायबल आदमी है। बैठा है छोटू, मोबाइल माउंट इसका एक बोल्ट हो अगर तो सबसे इजी काम हो जाएगा, इसको बस लगा दो। अगर इस तरह इसके साइज का कोई बोल्ट हो तुम्हारे पास से मिल जाए, वरना फिर मालूम क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का फुल्का इधर या उधर खिसकाना पड़ेगा, तब जाके इसमें जो ये है कहाँ गया, ये लगेगा, देखो ये देखो, तो अब ये खिसकाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये यही है। मतलब अगर ये भी लगा दोगे तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं, फिर बाकी हम लगा लेते हैं ये, लेकिन इसका अगर मिल जाए तो और अच्छा है, यहाँ पे लगाने वाला बोल्ट। हाँ? ये अगर मोटे पतले के लिए है तुम, उत्ते पे ही टाइट कर देते हैं, थोड़ा सी इसको इधर ऐसे कर लेते, जितने पे करना आप कर दीजिए, टंकी भीतर नहीं तो हाँ, फिर मैं टाइट कर दूँ। उसकी वो तो मूवमेंट आप जितना चाहेंगे उतना हो जाएगा, ये हिल जाता है। हाँ लेकिन ये है कि इतना रहे ठीक, ये सही है ना, ये सही है। बहुत बढ़िया, एक नंबर। इसको जो है मैं ऐसे और कर देता हूँ थोड़ा सीधा कर लीजिए ना हैं, हालांकि जब ऐसे चलाऊंगा तो हाँ वो तो हो गया। इसको फिर राउंड कर लीजिए, इसी को पकड़ के घुमा दीजिए ना, नहीं नहीं वो नीचे टाइट है ऐसे, ये अब हुआ है सही है ना,
अब इसको नेविगेशन लगाया ना माइन के, तब जाए कि ऐसे ही चले जाए। अरे अब कहाँ यार, अब शिल्पी प्लाजा, अब इसे क्या डाले, फुल्की की दुकान की समोसा की दुकान नहीं मिल, नहीं मिल रहा ना। हमको लगा टीपू भैया है क्या, कहाँ गया पाड़े? ये हमारी पानी बोतल हम भूल गए थे, हैं कहाँ फेंक दिए? अब तो फेंक दिए तो फिर क्या मतलब है ना। चला गया चॉकलेट तो नहीं खराब हुई है ना? ये अभी गर्म है ना? बड़ी तारीफ वो कर रहा था। है खोलो थोड़ा देखें। ठीक है चलते हैं, अब कल नहीं खुलेगी है ना, राइट लेफ्ट हो रहा था। अब पेट्रोल भराएंगे कल 30-35 किलोमीटर लाख पेट्रोल हो गई, बाकी होगा कल यार, आज चला जाए अब घर।